भी 1,07,000 बोलेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। अरे अंकल लौंडिया बैठा लो तब मजा मिलेगा। अरे क्या बात है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। देख सकते हो आप लोग, सुबह सुबह हम लोग राइड पे निकले हुए हैं। आगे सारे गाड़ियों का काफिला है, यहाँ पे खड़े हैं आयुष वर्मा और ये देखिए आप सब फोटो खिंचा रहे हैं। निकले हुए हैं राइड पर, लोग भीग कर आ रहे हैं, बताओ राइड के लिए। और अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक काफिले में हूँ मैं। ये काफिला है मॉर्निंग राइड का। अभी प्लान है अपना इंदिरा डैम जाने का। सब लोग काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, जितने लोगों से मैं मिला हूँ। मैं तो फिर भी रेनकोट पहना हुआ हूँ, आप लोग देख सकते हो। इस पे देखो कितना गंदा ये पानी जो है, पूरा मिट्टी वाला पानी है, छूने पे भी मिट्टी का एहसास हो रहा है। एंड पीपल आर राइडिंग विदाउट दीज काइंड ऑफ रेनकोट, एनी काइंड ऑफ रेन प्रोटेक्शन। एंजॉय कर रहे हैं वेदर को मस्त ये लोग भी। अपने काफिले में एक बुलेट आ चुकी है, मैं कह रहा हूँ अपने काफिले में एक बुलेट आ चुकी है। अभी बुलेट के नाम पे इसलिए हंस रहे थे बिकॉज हम लोग के साथ में, मतलब लास्ट 26 जनवरी को हुआ क्या था कि बहुत सारे लोग आ गए थे एंड बहुत सारी वैरायटीज़ की भी गाड़ियाँ आ गई थी। तो उसमें साउथ भाई अपने हायाबुसा चला रहे थे, जो कि आपने वाइट कलर की देखी थी रिसेंट ब्लॉग में। वो वाइट एंड रेड नहीं थी, वो वाइट एंड ब्लैक थी एंड अब वो वाइट एंड रेड हो गई। बिकॉज क्या हुआ था कि 26 जनवरी को किसी बुलेट वाले ने, जो हमारे काफिले में ही था, उसने पीछे से हिट कर दिया था उनको और उनकी गाड़ी डैमेज कर दी थी। तो इसीलिए भाई दूसरों की गलतियों से, मतलब गलती क्या, साउथ भाई की कोई गलती नहीं थी उसमें, बट ये है संभल के चलना चाहिए, अपना एक सेफ डिस्टेंस बना के चलना चाहिए। चलिए अब आप लोग से थोड़ा आगे मिलते हैं। अभी तो ट्रैफिक में क्या, धीरे धीरे मैं चला के दिखा रहा हूँ आपको। जब थोड़ी खुली रोड मिलेगी और मौका मिलेगा गाड़ी को भगाने का, तब मिलते हैं आपसे। गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा छींटे मार रही हैं और गोपरों को, मुझे पता है गोपरों के ऊपर भी आ रहा होगा, इसीलिए मैं बार बार अपना लेंस जो है वो साफ़ कर रहा हूँ। अब यहाँ आगे से हम लोग ये जो आप लोग देख रहे हो इस पर चढ़ेंगे, फ्लाई ओवर क्या, मतलब पूरा हाईवे है, किसान पथ। अब थोड़ा खुल जाएगा रास्ता और ट्रैफिक भी कम मिलेगा। अब सीधे चलना है सीधे इंदिरा डैम पर। ये है अपनी इंदिरा नहर, देखो अब हम लोग इसके बगल बगल चलेंगे किसान पथ पे। एंड कितना ऊंचा लेवल हो रखा है, मतलब बारिश की वजह से लेवल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है यहाँ पे नहर का। यहीं से तो चढ़ना है। यहाँ आप देखो कितना बड़ा कंफ्यूजन है, लोग चले जा रहे हैं, चढ़ना इधर से। अब ये लोग पहुंचेंगे धीरे धीरे, हम लोग चलते हैं। हाँ, अरे पूरा, तभी तो अच्छा लगता है यार कि मतलब जब कॉर्नर्स पे जाते हैं ना तो शिफ्ट करना पड़ता है एकदम से, नीचे पता ही नहीं चलता था इस पर। हाँ, मैंने खुद लगाया है। तो अब हम चलाने वाले हैं आयुष की बाइक, आयुष चलाएंगे हमारी। एग्जॉस्ट नोट तो काफी अच्छा है। सीटिंग पोस्चर ऑब्वियसली स्पोर्टी है एंड मैं कंपैरिजन ऑलरेडी कर चुका हूँ दोनों बाइकों का, बट थोड़ी सी ये प्लांटेड ज्यादा लग रही है अच्छे से, मतलब फील हो रहा है पूरी रोड, कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग लग रहा है इसका जो पोस्चर है एंड जो उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है। ये भी क्या लग रही है यार आपके साथ में, मतलब नेक्स्ट लेवल। अपनी बाइक चलते हुए जल्दी दिखती नहीं है ना, अपनी बाइक पर खुद ही बैठे रहो तो पता नहीं चलती है दूर से कैसी लगती है। तो ये लीजिए भैया, डैम पे पहुंच चुके हैं अपने और बाइक को भी पार्क कर देते हैं।
गाइज अपन लोग पहुंच चुके हैं अपने स्पॉट पे जो कि है इंदिरा डैम। फॉर्चुनेटली बारिश बंद हो चुकी है एंड मौसम बहुत बेहतरीन हो गया है, मतलब इतनी मस्त हवा चल रही है यहाँ पे, हो सकता है पानी की वजह से चल रही है। और पीछे देखो आप लोग नज़ारा, पानी का लेवल पूरा ऊपर तक बिल्कुल टॉप नॉच भरा हुआ है। एंड इधर सारी अपनी बाइकें खड़ी हुई हैं एंड ये लीजिए भैया आयुष वर्मा। और यार मौसम मस्त हो गया, बिल्कुल अच्छा हो गया अभी भाई, और मज़ा आने वाला है ब्लॉग में। फिलहाल तो देखो यहाँ पे सब लोग खड़े हुए हैं एंड काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, मतलब एनर्जी का लेवल बहुत हाई है। बस थोड़ा सा सेफ्टी को ध्यान में रखना पड़ रहा है क्योंकि डर लग रहा है दूसरी गाड़ियों से। दीपक भैया इधर आना, इधर आओ। तो दीपक भाई ने, ये हैं हमारे दीपक भाई जिन्होंने ये राइड ऑर्गेनाइज करी है। और बहुत मजा आया भाई आप लोगों के साथ आज राइड जो है करके, मतलब जनरली एक मैसेज करा दीपक भाई ने पहली बार बोला जब मुझसे, तो मुझे कहा चलो आज चलते हैं। मैंने कहा तो भाई मतलब इतना कि एक रेस जगा देते हैं लोगों में, मतलब सारी थकान दूर हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हो पीछे यहाँ पे हम लोगों ने बाइकें थोड़ी अलग हटा के निकाल के लगा दी हैं भीड़ से। और यहाँ पे आयुष की खड़ी है CBR रेड कलर जो कि बहुत मस्त लग रही है। और यहाँ पे अपनी खड़ी है रानी जो कि भाई रैप में आप लोग बताओ ना कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो बताओ, नहीं अच्छा लग रहा वो भी बताओ। तो फिलहाल यहाँ पे लेके आए हम लोग आयुष किसके लिए, एग्जॉस्ट कंपैरिजन। तो अभी हम लोग इसका, इन दोनों बाइकों का एग्जॉस्ट कंपेयर करने वाले हैं, देखते हैं किसमें आवाज़ ज़्यादा है एंड किस टाइप की आवाज़ आती है। देखो कानों में सुनना और माइक से सुनना वो दोनों डिफरेंस हो जाता है, सेम नहीं रहता है, बट कुछ आइडिया अगर मिल जाए तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा। चलो तो इसलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। भैया देखो पहले में ही मैं आपको बता दूं कि इसकी आवाज़ थोड़ी कम होने वाली है बिकॉज उसमें पैसा लगा है, ठीक है ना। तो पैसा बोलता है तो आज आप वो भी सुन लोगे। इसमें जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ये हमारा क्या कहें इसको, स्लिप ऑन एग्जॉस्ट है एंड दिस इज़ अ बेंड पाइप जिसको स्टेनलेस स्टील में आता है। ये पूरा मैंने काम रेस डायनामिक्स पर कराया है, उनका भी नंबर मैं लिंक में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब पहले इसकी आवाज़ सुन लेते हैं एक बार एंड कंपेयर करते हैं दोनों बाइकों की आवाज़। अपनी राम प्यारी की आवाज़ एंड अब सुनते हैं आयुष की, जिसमें कि देख सकते हैं हम लोग ऑस्टिन रेसिंग का पूरा एक टाइटेनियम एग्जॉस्ट लगा है। फुल सिस्टम आता ही नहीं है इसमें CBR में अनफॉर्चुनेटली, तो हाफ आता है जिसमें कैटलेटिक कन्वर्टर को काट के लगाना पड़ता है, मगर ऐसे ही कंपनी ने बनाया है। तो चलिए एक बार इसको स्टार्ट करते हैं एंड भाई पहले ही मैं आपको बता दूँ कितने का है आयुष, 1,07,000 1,07,000 का एग्जॉस्ट लगा हुआ है। तो भाई 1,07,000 बोलेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। ये लो न्यूट्रल कर दी मैंने। तो ये थी आयुष की गाड़ी की आवाज, आयुष की प्यारी CBR की आवाज। एंड पहले ही आप लोग अगर डिफरेंस अगर नोटिस कर पा रहे हो तो मैं सुन पा रहा हूँ ये ज़्यादा बेसियर है, मतलब अगर मैं कहूँ तो वो स्क्रीचिंग में जा रही है, हाई नोट्स पे बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। ये हाई नोट्स पे उतनी आवाज़ ना करते हुए बेस बहुत ज़्यादा लग रहा है बाइक में एंड लो RPM पे ही आपको फील हो जाएगा। इसको जब तक खींचो ना तो आसपास के लोगों को पता नहीं चलता है कि एक सुपर बाइक निकल रही है बगल से, मगर ये जब बगल में भी चल रही होती है तो इतना बेस है इसमें कि पता चल जाता है कि हाँ भाई सुपर बाइक आ रही है। चलो तो गाइज आप लोग सुन लिए आवाज़, फ़र्क देख लिया आपने 10,000 और 1,10,000 के एग्जॉस्ट में। अब यहाँ पे खड़ी हुई है बाइकें, थोड़ी फोटो लेते हैं देन उसके बाद में फ्लाई बाय शॉट्स भी लिए जाएंगे, उनकी भी आवाज़ सुनना आप लोग, एक साइड बाय साइड कंपैरिजन देखा जाएगा एंड देखेंगे किसमें आवाज़ अच्छी आ रही है। आएगी तो ऑब्वियसली पैसे वाले में ही। ये 10.5 लाख रुपये जी ऐसा है जी अंकल, नहीं सही कह रहा है, सच बता रहे हैं। और कितना देते हैं एवरेज? एवरेज इसकी है लगभग 18-20। तो खून पीने वाली गाड़ी है। हाँ खून पीने वाली, खून पिलाना पड़ता है इसको तभी चलती है। खून पीने वाली गाड़ी, इससे अच्छे मेरी गाड़ी वो खड़ी है। अरे आपकी गाड़ी कितना माइलेज देती है? आपकी गाड़ी 60
60 का माइलेज दे रही है। बताओ 100 के तेल में आप 60 जाओगे? हाँ। हम 100 के तेल में 15-20 पे खड़े हो जाते हैं। 15-20 भी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग चलाते हैं 20 का एवरेज निकालना मुश्किल हो जाता है। 20 का एवरेज निकला तो लगता है बहुत अच्छा निकला यार। इसमें फैशन है जी। अरे अंकल लौंडिया बैठा लो तब मजा मिलेगा। अरे मैं बैठा ला हूँ, मैं भी अपनी जिंदगी में यूज किया है, तब मैं बुलेट चला रहा। अरे क्या बात है, आप पे लगती है एकदम डबल सीट। अंकल डैम दिल्ली रह चुके हैं पहले के ही। ओपी लाइफ, मेरा घर यहीं पर है, वो सामने मेरा घर दिख रहा है, कलेक्टर फोन लगा हुआ है सामने। अच्छा आप ये बताओ आवाज कैसी लगी आपको? आवाज तो अच्छी लगती है, लेकिन ये खून पीने वाली गाड़ी है। अरे तो खून कोई नहीं अंकल, एक ही बार मिला है जीवन, बार बार थोड़ी ना मिलता है, खून पिला देंगे। तो मेरे पास इतना पैसा कहाँ है जो मैं खून पिलाऊंगा इसको। आवाज अच्छी लगी ना अंकल? गाड़ी की आवाज अच्छी लगती है। तो भाई ये लो, ये हमारा लाइव रिव्यू मिल गया आप लोग को। भोकाली गाड़ी है, भोकाली गाड़ी बता रहे हैं अंकल। मतलब क्या ही बताऊं, बिल्कुल आग। और चेकआउट अगर आपको फोटो चेकआउट करनी है तो इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है, यहाँ पे आ रहा होगा, उसको जाओ फॉलो करो यार, और सारी ओपी फोटोज उस पर मिल जाएंगी आपको। चलो अब पैकअप हो रहा है यार, धूप भी निकलने लगी है धीरे धीरे, अब यहाँ से जितनी तेजी से निकल लें उतना सही है। एंड अब मिलते हैं रोड पे। बड़ा बवाल हुआ है।